नमामि सद्गुरु शांतम सच्चिदानंद विग्रहम पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। माधुरी रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेश नंदिनीं रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारतमातरम्। आर्य समाज के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सहभागी होते हुए मैं अपार आनंद का अनुभव कर रहा हूं। जन्म से मैं एक सनातनी परिवार से रहा और सनातनी परिवार की वे जो कुछ समस्त संस्कार की शलाकाएं हैं बहुत बड़ी मात्रा में आज भी मेरे भीतर विद्यमान है। लेकिन ऐसा होने पर भी मैं अपने बाल्यकाल से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज को इस देश के उत्थान का पुरोधा मानता आया। आज मैं यहां पर उपस्थित हूं और लगभग इसके पूर्व 3 वर्षों तक मैं लगातार इन आर्य समाज के सम्मेलनों में जाकर के अपना अभिवादन करता आया हूं। वह महर्षि की उस पुण्य स्मृति को, जिस पुण्य स्मृति ने इस देश को पहली बार ऐसा जगाया कि यह देश अब संसार में पूरा सबसे ऊंचा उठ करके रहेगा। माताओं के इस सम्मेलन में मुझे बोलने के लिए कहा गया। हम अभी अभी नवरात्रि में मातृशक्ति की पूजा करके ही उठे हैं। कल शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा के इस पर्व के आरंभ में, कोजागिरी के पर्व के आरंभ में इन माताओं का मैं पूजन करने के लिए आया हूं। माताओं का उद्बोधन करने का मैं अपना अधिकार नहीं मानता हूं, क्योंकि हम तो इस संपूर्ण मातृशक्ति में उस जगन माता का दर्शन करते हैं। और इसलिए अपने शब्दों के कुछ पुष्प चढ़ा करके मैं कुछ कहना चाहूंगा। हम लोग इस समय जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति का आकलन हम लोगों को है कि नहीं पता नहीं। तालियां बजा करके हम लोग एक बात पुनः पुनः कहते हैं कि हमारा देश उठेगा, हमारा देश जगेगा। वो उठना चाहिए, वो जगना चाहिए, लेकिन जो स्थिति हम देख रहे हैं उस स्थिति की ओर यदि हम ध्यान देंगे तो लगता नहीं कि देश जग रहा है। लगता तो मुझे यही है कि दुर्दैव यह है कि हमारा देश अधिकाधिक घोर अंधकार में जा रहा है। हमारी पाठ्य शिक्षा की ओर देखिए, जिन स्वामी जी का, जिस महर्षि जी का, जिस इस महान अवतार का कार्य लोगों तक पहुंचना चाहिए, हमारे सरकार की शिक्षा की किस किताब में, किस पुस्तक में आपको ऐसे दिव्य चरित्र पढ़ने मिलेंगे। हमारी शिक्षा को लेकर के हमारे वनवासी बंधुओं के धर्मांतरण तक अनेक प्रकार के षड्यंत्र इस देश को तोड़ने के लिए चल रहे हैं। यह देश टूटने के कगार पर है। मैं स्वयं इस देश की घटती हुई संख्या को जब देखता हूं, वेदों में आप विश्वास करते हैं, वेदों में मैं भी विश्वास करता हूं। वेदों की प्रेरणा मुझे जिन स्थानों से मिली, वेदों के अध्ययन की, वेदों के सेवा की प्रेरणा मुझे जहां से मिली, उसमें महर्षि का नाम अग्रगण्य नाम है। और उसी प्रेरणा से मैंने स्वयं आपको, मुझे बतलाते समय विनम्रता से बतलाना आवश्यक है कि 1-2 करके 21 विद्यालय केवल वेदों को कंठस्थ करने की विद्यालय स्थापन किए, 21वां विद्यालय जम्मू में स्थापन किया और 22वां विद्यालय हम गीता जयंती के दिन मणिपुर में इम्फाल में स्थापित करने जा रहे हैं। यह संपूर्ण देश वेदों के मंत्रों से गूंजना चाहिए। आज तक गत 20 वर्षों में हम लोगों ने 450 से अधिक ऐसे वैदिक युवा पंडित खड़े कर दिए
जिनका संपूर्ण वेद सस्वर कंठस्थ है, संपूर्ण वेद सस्वर कंठस्थ करने वाले 450 से अधिक युवक पंडित इस देश को महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान ने दिए, और इस समय 471 बालक वेदों के पाठांतरण का वही काम करते जा रहे हैं। इसका अर्थ इतना ही है कि आने वाले 5 वर्षों के पश्चात मैं यह कहने के लिए समर्थ रहूंगा कि हम लोगों ने महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के माध्यम से क्या काम किया। इस भारत माता के चरणों में 1000 ऐसे वैदिक युवक दे दिए जिनका संपूर्ण वेद सस्वर कंठस्थ है। एक विनम्र कार्य मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैंने ये ऊर्जा पाई महर्षि जी के उन वचनों से कि इस देश को जगना होगा और इस देश को जगाने का सर्वोत्तम माध्यम वेद ही है। ये ऊर्जा केवल मैंने पाई ऐसे नहीं, इस देश के पुनरुत्थान का अग्रदूत जी ने, मैं मानता हूं उन स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही ऊर्जा उनसे प्राप्त की। आप लोगों को पता होना चाहिए स्वामी विवेकानंद जी का यह 150वां शताब्दी जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। स्वामी जी के जीवन के अंतिम दिन, स्वामी जी के जीवन के अंतिम दिन समाधि से पूर्व दिन भर उन्होंने जो काम किए उसमें 1 घंटा उन्होंने स्वयं अपने साथी सन्यासियों को यह बात बतलाने में व्यतीत किया कि हम लोगों को अब वैदिक विद्यालय आरंभ करने पड़ेंगे। हमने वेदांत पढ़ा लेकिन जब तक वेदों का ज्ञान जागृत नहीं होगा तब तक इस देश की अंधश्रद्धा समाप्त नहीं होगी, और इस देश की अंधश्रद्धा समाप्त नहीं होगी तो यह देश जगेगा नहीं। मेरा परम विश्वास है कि स्वामी विवेकानंद को भी यह प्रेरणा महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज के कार्य से प्राप्त हुई और इसीलिए उनका ध्यान वेदों की ओर गया। काम किसने किया, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात मैं ये मानता हूं कि काम क्या किया जाना चाहिए। आज उस कार्य की आवश्यकता है जिस कार्य से यह देश जगेगा। देश जगने का अर्थ क्या है? आप इंडिया शाइनिंग के रूप में भारत को क्या केवल आर्थिक मोर्चे पर समर्थ बनाना चाहते हैं, भारत को लोगों के सामने एक शक्ति के रूप में खड़ा करना चाहते हैं? वो तो करना ही चाहिए, लेकिन सबसे अधिक ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि खड़ा होने वाला भारत भारत रहेगा, वो अमेरिकनाइज्ड भारत नहीं होगा, वो वैदिक भारत होगा, वो भारतीय संस्कृति से संपर्क भारत होगा। यदि आर्य संस्कृति को भारत में जीवित रखना है, ध्यान रखना विदेशों की बात मैं नहीं कर रहा हूं अभी, लेकिन यदि हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी हिंदू सभ्यता को, हमारी वैदिक शिक्षा को, हमारे वैदिक संस्कारों को यदि भारत में भी जीवित रखना होगा तो हम लोगों को अनेक मोर्चों पर काम करना होगा। आने वाली अगली पीढ़ी के बालकों में हमारे धर्म के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति कितना रुझान है इसको देखना होगा, और इस प्रकार के बालकों को संस्कार देने वाली माताओं को खड़ा करना होगा। अभी अभी हम लोग सुन रहे थे भगवती हमारी प्राचीन काल की माताओं ने इस प्रकार के संस्कार देकर के हमारे देश के इन महान युवकों को खड़ा किया। मुझे याद आती है भगवती कुंती माता, भगवती कुंती माता ने अपने पुत्रों से कहा यदर्थम क्षत्रियासुते तस्य कालो यमागतः, अरे युद्ध करने से आप डरते हैं, आप मेरे पुत्र हैं, आपने मेरे दूध को लजा दिया और इसलिए आपको